गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस क्ले को अनबॉक्स भी करने वाली हूँ और इसकी हेल्प से गणेश जी भी बनाने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेट्स अनबॉक्स इट। देखो गाइस, इसके अंदर एक और पैकेजिंग है। कितनी पैकेजिंग दी है गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं इससे गणेश जी भी बनाने वाली हूँ और मुझे तो बहुत पसंद है क्ले के साथ खेलना। और अगर आपको भी पसंद है क्ले के साथ खेलना तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, लाइक कर दो ना। जल्दी से खुल जाएगा ये। ओ गाइस, ये तो बहुत ही टाइट पैकेज है। फाइनली गाइस, मेरा क्ले खुल चुका है, तो चलो इससे गणेश जी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो गणेश जी बनाना स्टार्ट करने से पहले मेरे को याद आया कि ये क्ले भी तो खोलना है। ये बहुत टाइट पैकेजिंग है यार। ओ गाइस, खुल गया। गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि आज तो क्ले की अनबॉक्सिंग है ना। क्ले किसको नहीं पसंद। देखते हैं सबसे पहले कौन सा शेप मिलने वाला है। हार्ट शेप, फ्लावर शेप, फिश शेप, गिर गया नीचे। ओ, बटरफ्लाई शेप। फिश शेप। सो गाइस, अब मैं बेलन निकाल रही हूँ। टॉय का बेलन ही होगा, रोटी बेलने वाला थोड़ी ना होगा। बेलन निकल ही नहीं रहा। वाओ, येलो मेरा फेवरेट कलर। So let's start। मैंने एक येलो का छोटा गोला बनाया है और एक ऑरेंज का बड़ा गोला। तो ये जो येलो का छोटा गोला है, इसको ऑरेंज के बड़े गोले पर स्टिक कर देना है ऐसे। और अब मैं थोड़ा सा ये येलो लूंगी। अब मैं ऐसे इस टाइप से ऐसे गोल गोल घुमा लेती हूँ। अब गाइस, मैं इसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे नीचे से शेप देना शुरू करूंगी। अभी तक तो बिल्कुल नहीं हो रहा ये गणेश जी की सूंड जैसा, पर मुझे लगता है आगे जाके होते जाएगा, थोड़ा सा गणेश जी जैसा लग रहा है। गाइस, ये सूंड जैसा बन रहा है। अब जो मैंने ये गोले गोले चिपकाए थे, उनको मैं धीरे से उठाऊंगी ताकि ये टूटे ना। और अब ये जो है सूंड, इसको इस गोलों पर चिपका दूंगी। अभी हमारे गणेश जी थोड़ा सा गणेश जी टाइप दिखने लग रहे हैं, नहीं तो ये क्या ही लग रहे थे। एक इंसान। गैस, अब मैंने लिया है ब्लैक कलर का क्ले, तो अब मैं ब्लैक कलर के क्ले की बहुत छोटे छोटे गोले बना लूंगी। मैं बना रही हूँ, आप इतने छोटे छोटे तो बहुत बड़े होंगे, तो मुझे लगता है और छोटे बनाने पड़ेंगे क्योंकि उनकी आइस बनानी है मेरे को। और अगर आइस छोटी और क्यूट बनाए ना तो क्यूट लगेंगे थोड़े से हमारे गणेश जी। अयो, मेरे से तो बन ही नहीं रहे अच्छे बोले। ऐसे ऐसे बना मेरे गणेश जी, मेरी प्यारी गणेश जी। गिर जाता अभी मेरा गोला। तो मैं यहाँ अपने गणेश जी को ले लिया है मैंने, और ये देखो मैं उनकी आइस चिपका रही हूँ। एक इधर आइस चिपकाई है मैंने, और अब ये जो है बहुत बड़ा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि मेरे गणेश जी की आइस मेंढक जैसी बड़ी ना हो।
इतने क्यूट लग रहे हैं मेरे गणेश जी। अब मैं नाखून से शेप दे रही हूँ उनके सूंड को, थोड़ा सा नाखून से शेप। थोड़ा सा अच्छे से टेक्सचर देना पड़ेगा मुझे शायद, ताकि ये टेक्सचर वाइज थोड़ा अच्छा रहे। गाइस कैमरे में जितने बड़े दिख रहे हैं ना, ये उतने हैं नहीं गणेश, बहुत टाइनी है मेरे हाथ से भी। तो अब उनके हाथ पैर बनाते हैं, नहीं तो गणेश जी चलेंगे, लड्डू कैसे खाएंगे, मोदक कैसे खाएंगे? गणेश जी मोदक के चोर थे, जैसे कृष्ण जी माखन चुराते थे ना। गाइस मैंने ले लिया है येलो क्ले, जिससे मैं गणेश जी के हाथ बनाऊंगी। इस तरह इस येलो क्ले को बनाते जाऊंगी, और थोड़ा सा लंबा करना है, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है गणेश जी का हाथ। और जब एंड आ जाएगा तो ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देना है। गाइस आपको लग रहा होगा केला है, पर ये केला नहीं गणेश जी का हाथ है। जब ये लगा दूंगे ना गणेश जी का हाथ उनके बॉडी पर, तो और भी सुंदर लगेगा। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको लगाने के बाद। गैस मैंने गणेश जी के हाथ तो बना ही लिए थे, और मैंने सोचा थोड़े से तीन गोले उनके हाथ में ऐसे चिपका दूं। और आप सोच रहे होंगे तीन गोले क्या है? ये तीन गोले हैं लड्डू। आपको तो पता ही होगा लड्डू और गणेश जी कभी दूर रह सकते हैं क्या? एक लड्डू टूट गया, गणपति बप्पा रूठ गया। अब मैं उनका दूसरा हाथ बनाने के लिए भी सेम स्टेप यूज करूंगी, तो चलो उनका दूसरा हाथ बना लेते हैं। अच्छे से शेप और टेक्सचर दे देती हूँ उनके दूसरे हाथ को। अब इस दूसरे हाथ को मैं गणेश जी पर स्टिक करके दिखाती हूँ वो कैसा लगेगा। गाइस मेरा दूसरा हाथ भी बन गया। अब इसमें मैं बैठाऊंगी मोदक, और मोदक अगर मैं दूसरे हाथ में बैठाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो चलो येलो क्ले ले लेते हैं। अब मैं रोल रोल कर लेती हूँ ऐसे, मैंने गोल लड्डू के जैसा शेप बनाया, उसे ऐसे दबा लेना है चारों ओर से, और ये बन गए आपके मोदक। और मैं चाहती हूँ कि छोटे मोदक बने, तो मैं छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ इतने बड़े क्ले के, दो पीसेस इतने छोटी छोटी चीजें ना हमारे गणेश जी पर बहुत क्यूट लगती है, क्योंकि हमारे गणेश जी भी तो कितने छोटे और क्यूट है। तो मैंने एक मोदक ऐसे बना दिया है लड्डू जैसा बनाया, उसके बाद में इसको दबा देना है। अब गाइस मेरा एक मोदक तो बन गया, अब ऐसे ही मैं तीनों मोदक बना के आपको बताती हूँ, गणेश जी के हाथ में भी स्टिक करा। गाइस अब तीनों मोदक जो मैंने बनाए हैं गणेश जी के हाथ में बैठा दूंगी, जैसे मैंने लड्डू को बैठाया था। तो चलो मिलते हैं गणेश जी के हाथ में मोदक बैठाने के बाद। जल्दी से मैं बैठा के आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा। एक हाथ में मोदक लेके घूमते थे वो, दूसरे हाथ में लड्डू। सोचो सोचो कौन होंगे वो? वो होंगे हमारे गणेश जी। गाइस सेम येलो क्ले को यूज करके अब मैं गणेश जी के पैर भी बनाऊंगी। जल्दी से मैं इस क्ले को बीच में से कट कर लूंगी और गणेश जी के पैर बनाऊंगी। इस टाइप का शेप देकर मैं छोटा सा ग्रीन पीस लूंगी और उसे चिपका दूंगी। ये बने हमारे गणेश जी के पैर। अब ऐसे 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 इसे खर इसे नाखून से शेप दे दूंगी, जिससे ये धोती जैसा लगे। ऐसे
से ही दो पैर बना लूंगी। गाइस मैंने ग्रीन कलर को बेल कर उसे उसके ऊपर गणेश जी बैठा लिए मेरे, और मूषक बना लिया मैंने ब्लैक कलर से, और उसकी इस टाइप से पूछ निकाल ली। और गाइस मुकुट आप अपने मन से बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है इस टाइप का मुकुट। गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन।